आज हम ये छोटे पीस होते हैं इसकी हम एक बैग बनाएंगे। ये बैग का ही मटेरियल है जो मैं पहले बैग बनाती थी, उसमें से जो छोटे छोटे पीस बचते थे वो मेरे पास थे, तो इसको हमने दो पीस में कटिंग किया है, इसके हम बैग बनाएंगे। और इसके पीछे हमने ये कैनवास अटैच किया है, जो इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया दिखाया था कि ये कैनवास कैसे इसको जॉइन करते हैं, वैसे ही हमने ये कैनवास प्रेस करके इसके पीछे जॉइन किया है। और ये स्मॉल पर्स है, ये आप आपके पास जो फैब्रिक है उसमें आप बना सकते हैं। इसके बाद और इसका मेजरमेंट है 9 इंचेस 9 इंचेस बाय 8 इंचेस, 8 इंच बाय 9 इंच के ये दो पीसेस हमने लिए हैं। और 8 इंच इसकी हाइट है, इसकी हाइट 8 इंचेस है। ऐसे हमने दो पीसेस लिए हैं, तो अब दोनों के पीछे कैनवास अटैच किया है। इसके बाद एक हम अस्तर का पीस लेंगे, इसका मेजरमेंट है 7.5 इंच बाय 11 इंच, 7.5 इंच बाय 11 इंच का एक अस्तर का पीस लिया है। और ये 7.5 इंचेस की जीपर, इसके अंदर हमने पहले से ही रनर डाला है। इसके बाद हम ये फिर से आपको बता देती हूँ कि ये साइड 9 इंचेस की है, तो ऊपर से हमने ऐसे हमने फोल्ड करके सेंटर का मार्क किया और ऊपर से हमने 1 इंचेस मार्क किया है, 1 इंच का। और ये अस्तर का पीस हम लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और ये सेंटर और ये सेंटर हम जो 1 इंच का मार्क है वहाँ पर हमें रखना है। पहले हम पिन से जोड़ेंगे, देखो ऐसे हमने इसके ऊपर मार्क किया है। पिन से जोड़ने के बाद यहाँ से जो ये फैब्रिक है अस्तर का हमने जॉइन किया है उसके ऊपर हम 1 इंच का मार्क करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे, और जो 1 इंच का मार्क है वहाँ से हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। पहले हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। और ये अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है, उल्टी साइड है सीधी साइड, तो ये साइड हमें उल्टी साइड रखना है। ऐसे हमने ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई की है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ये पिन्स निकाल देंगे और यहाँ हमें ऐसे फोल्ड करना है, और इसके बीच में हम ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ कॉर्नर पर हमें ऐसे क्रॉस में कटिंग करना है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी। इसके बाद ये अस्तर हम अंदर की साइड में करेंगे, ऐसे हमने ये फैब्रिक अंदर की साइड में किया है और इसके ऊपर हमने प्रेस किया है, तो देखो ऐसे दिखेगा। इसके बाद ये हमने 7.5 इंचेस की जीपर ली है, ये जीपर हम रनर की साइड हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद हमें ऐसे चारों साइड से सिलाई करके ये जीप हम जोड़ देंगे। ऐसे ये जीपर हमने चारों साइड से सिलाई करके जॉइन की। इसके बाद ये अस्तर का पीस हम ऐसे लेंगे और यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इसे हमने एक साइड में सिलाई की, इसके बाद ये ओपन है, ये साइड ओपन है, तो हम ऐसे ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम ये अस्तर कटिंग करके सेपरेट करेंगे। और इसके बाद हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ऐसे में हमने दोनों साइड से सिलाई की और ये साइड ओपन है। इसके बाद हमने ये दो अस्तर के पीसेस कटिंग किए हैं जो 9 इंच बाय 8 इंचेस के हैं, ये हमने पिन जोड़े थे। ये देखो दो अस्तर के पीसेस हमने सेम साइज़ के कटिंग किए हैं। इसके बाद ये हमने 8 इंचेस की जिपर ली है, 8 इंचेस की, और दो हमने फैब्रिक के पीसेस लिए हैं 2.5 इंचेस बाय 1.5 इंचेस,
इंचिस के ये दो फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। इसको हमने सेंटर से फोल्ड किया और इसके ऊपर हमने प्रेस किया था, इसे हमने फोल्ड किया और ये 2.5 इंचेस की साइड है ये साइड। इसके बाद एक साइड से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हमें फोल्ड करना है और ये हम यहाँ जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा हम कट करेंगे, वैसे ही ये दूसरी साइड में जोड़ना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें रनर डालेंगे। इसके बाद देखो दोनों साइड से हमने ये फैब्रिक जॉइन किया। इसके बाद रनर की साइड हम ऐसे रखेंगे और ये फ्रंट साइड है तो रनर की साइड हमें ऐसे रखना है। दोनों साइड में हम सेम स्पेस छोड़ेंगे और इसके पीछे हम ये अस्तर का पीस सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड में इसे आधा इंच छोड़ा है। इसके बाद हम ये सीधी साइड करेंगे और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये दूसरा पीस जोड़ेंगे, ये सीधी साइड हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पर भी हमें दोनों साइड से आधा आधा इंच हम ऐसे छोड़ेंगे और इसके ऊपर हम ये अस्तर का पीस रखेंगे। सिलाई होने के बाद हम इसके ऊपर भी टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच किया और इसके नीचे की साइड में हम ये हमें ऐसे राउंड शेप देना था, पहले भी हमें हम दे सकते थे लेकिन हम भूल गए, तो हम अभी इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। कोई भी ऐसे राउंड चीज़ लेके हम इसके ऐसे राउंड शेप दे देंगे। चारों साइड में हमें ऐसे राउंड शेप देना है, नीचे की साइड में ऐसे ही यहाँ और यहाँ। ऐसे हमने चारों साइड में राउंड शेप दिया। इसके बाद हम ये फैब्रिक एक साइड में लेंगे और अस्तर एक साइड में और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करके जोड़ना है। ऐसे हमने ऐसे चारों साइड से सिलाई करके लॉक किया। इसके बाद ये हमने साइड ओपन रखी थी, ये ज़िप हम ओपन करेंगे और इसके बाद ये ज़िप हमें ओपन करना है और ये हम यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे। ऐसे हमने ये सीधी साइड की है। सीधी साइड करने के बाद ये शेप हम अच्छे से देंगे, देखो ऐसे, और ये अस्तर हमें अंदर की साइड में करना है। और यहाँ से हमने ये बैग सीधी साइड की थी तो ये साइड हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे इसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। इसे अंदर की साइड में करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। इसे हमने टॉप स्टिच किया। इसके बाद ये अस्तर पॉकेट हम अंदर की साइड में करेंगे। तो ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत सुंदर सी। और ये देखिए आप कॉर्नर पर इतनी सुंदर दिख रही है, ये दोनों कॉर्नर्स।